प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले आप मेरे वीडियोस देख सकें। भोर भयो गैयन के पाछे तूने मधु भोर भयो भोर भयो भोर भयो गयन के पाछे तूने मधु बन मोहि पठा। वीपी म्यूजिक एकेडमी एक्सपर्ट सिंगर ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वरों के बारे में। मैंने मेरे पहले वीडियो में शुद्ध स्वरों पर आधारित एक सरगम का 12 मिनट का ऑडियो और वीडियो फाइल अपलोड किया है यूट्यूब पर। वो साधारण सा एक फॉर्मेट है जो पूरे भारत में लोग गाते हैं, लेकिन एज अ सिंगर मैंने जो फेस किया जब मैं बिगनर था, मैं जब सीख रहा था वाराणसी में, तो मैंने एक चीज़ देखी कि जब हमें किसी भी रागों पर कोमल स्वरों की जब बारी आती है, जैसे शिवरंजनी हो गया, भैरवी हो गई, भैरव हो गया, अहिर भैरव हो गया, तो जब इन सब रागों पर हम आते हैं भी फिल्मी गाना लेते हैं तो हमें वहाँ पर मुश्किल आती है ऊपर के स्वरों को गाने में। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूँ, एक किशोरदा का गाना है, मेरे फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। इसमें जो ऊपर की लाइन है, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले तो ये टेक्निक से लगाया जाता है। ये तभी होता है जब आप इन स्वरों पर रियाज करेंगे तो आप इस तरह के किसी भी गाने को बड़े आसानी से गा सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए खास एक चीज लेके आया हूँ जो कोई नहीं करता। हम कहीं भी क्लास में जाते हैं तो हम शुद्ध स्वरों पर ही रियाज करते हैं। कोमल स्वर हम तब सीखते हैं जब हम किसी राग पे पहुंचते हैं, लेकिन अगर हम शुरुआत के दिनों में ही कोमल स्वरों का रियाज शुरू कर दें तो हमारा गला पहले से ही मजबूत हो जाएगा आगे के लिए। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कोमल स्वर क्या है, आइए सुनते हैं। आपने ये तो सुना है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा ग रे सा, ये है शुद्ध स्वर। अब इसे कोमल कैसे करना है, हम राग भैरव को इस रियाज में शामिल करेंगे इस अलंकार में, वो कैसा है, इसमें रे और ध कोमल हो जाएंगे। आइए बताता हूं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा स्वरों पे आधारित अलंकार मैं अपलोड कर रहा हूं आपके लिए खास। इसका खूब जम के अभ्यास कीजिए, एक दिन शुद्ध स्वर गाइए, एक दिन कोमल गाइए, आप करिश्मा देखेंगे अपने गले में कि कितनी फर्क आ गई आपकी आवाज में, बहुत आनंद आएगा आपको। आइए गाइस, जल्दी ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं सरगम का, क्योंकि वो 20 मिनट का वीडियो है तो इतनी लंबी वीडियोज एक साथ अपलोड करना अच्छा नहीं था। इस वीडियो को आपने देखा, जानकारी देख ली, अब मैं वीडियो अपलोड करता हूं। थैंक यू सो मच। Oh, 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 oh